नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सतेंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके हम आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। अभी 2020 का इंडेक्स आया है, उसके बारे में बात करेंगे और इंडिया का, भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा है 2020 में और पिछले कुछ ईयर में, इस पे हम डिस्कस करेंगे। इस टाइप के जो बच्चे क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको मिल जाते हैं। इनको आपने अपना शॉर्ट नोट की फॉर्म में नोट करके रख लेना है, क्योंकि आजकल जो दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे और करंट अफेयर पे, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं सतेंद्र चौधरी, इन्वायरमेंटल रिसर्च साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, इन्वायरमेंटल एजुकेटर, ये थोड़ा मैंने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा है। दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आप इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम करते हैं, JRF की तैयारी कर रहे हैं या इन्वायरमेंट के स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप JRF की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने नंबर दिया है 7696180020। इस नंबर पे आपने अपना नाम, अपना पता और अपना कॉलेज का नाम, ईमेल एड्रेस लिख के मेरे को व्हाट्सअप कर देना है, हम आपको ऐड कर लेंगे। दोस्तों, हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। अभी आप हमें YouTube पे देख रहे हैं। अगर आप इन्वायरमेंट साइंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं हमेशा बोलता हूँ, JRF की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें दोस्तों। बाकी के वीडियोस जो हैं डिफरेंट मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसमें मैंने सेव किए हुए हैं। एक एक वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए और जो नोट्स हम आपको देते हैं और जो टॉपिक बताए हुए हैं उनको वैसे ही आपने पढ़ना है दोस्तों। डेफिनेटली JRF क्लियर होगा, क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो है यहाँ पे उपस्थित होने का, वीडियोस बनाने का, वो है कि आपका गेट क्लियर हो, आपका JRF क्लियर हो। आप अगर कहीं भी इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आप उसे क्लियर कर सकें कॉन्फिडेंटली विथ नॉलेज। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये हर साल पब्लिश होता है। किसके द्वारा? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इन यूरोप। यूरोप जो है इसको पब्लिश करता है, जो मैंने इंस्टीट्यूट बताया अभी। हालांकि इस पे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, फिर भी अपनी जानकारी के लिए से आप याद कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो इंडेक्स है इसको हर साल पब्लिश करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि भाई अभी क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। ये जब इंडेक्स पब्लिश होगा, इसमें जो डाटा है वो पब्लिश होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि कोई कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है इन डिफरेंट सेक्टर, किस प्रकार से वो क्लाइमेट चेंज को ले रही है, उनकी सोच क्या है और कैसे वो उसको कम करने की सोच रही है। तो बेसिकली इससे एक तो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होगा, दूसरा सोशल प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि जब लोग, जैसे आप इसे देख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आपका देश जो है, आपकी कंट्री जो है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आप चार इंसानों को और बताएंगे तो डेफिनेटली सोशल प्रेशर क्रिएट होगा। वहीं पे कुछ पढ़े लिखे लोग जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, जब वो ये देखेंगे कि भाई हमारा देश जो है किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है या दूसरी कंट्री जो है वो किस टाइप से परफॉर्म कर रही है, तो डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रेशर भी उन पे क्रिएट होगा। तो इस इंडेक्स के माध्यम से अगर हमने क्लाइमेट को चेंज को प्रोटेक्ट करना है
तो हमें एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ये हर साल पब्लिश किए जाते हैं। अब बात ये आती है कि भाई इतने सारे देश हैं, क्या सभी का डाटा इसमें होता है? नहीं, इसमें 60 कंट्री जो हैं, 60 कंट्रीज़ का परफॉर्मेंस होता है। और ये जो 60 कंट्री हैं, ये लगभग 90% जो है वो CO2 इमिट करती हैं, ठीक है। 90% CO2 इमिटर जो हैं वो क्या हैं, केवल 60 कंट्री हैं। रेस्ट ऑफ द कंट्री जितनी बची है पूरी दुनिया में, वो केवल 10% ही CO2 इमिट करती हैं। तो जो टॉप के 60 कंट्री हैं, जैसे मैंने बताया, वो 90% कर रही हैं और बाकी की जो जितनी कंट्री बची है वो 10% कर रही हैं। तो इसलिए केवल 60 देशों का डाटा लेके इन्होंने ये इंडेक्स बनाया है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको 2-4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले CCPI की फुल फॉर्म क्या है, ये कहाँ से पब्लिश होती है, इसको पब्लिश करने का क्या उद्देश्य है, और इसमें कितनी कंट्री का डाटा होता है, और ये जो कंट्रीज़ हैं ये कितने प्रतिशत CO2 इमिट कर रही हैं। क्लियर है। अब बात ये करते हैं कि ये कौन से ऐसे पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं, कौन से पैरामीटर हैं जिनके बेस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो दोस्तों 4 मेन पैरामीटर हैं, इनके बेस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। सबसे पहले आता है आपका ग्रीन हाउस इमिशन, ठीक है, पर कैपिटा ग्रीन हाउस इमिशन कितना है। तो इस पूरे इंडेक्स में 40% वेटेज जो है इस चीज़ को मिलता है। दूसरी चीज़ आ जाती है रिन्यूएबल एनर्जी, कितनी एनर्जी आप रिन्यूएबल सोर्स से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, किन किन सोर्सेज से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है। तो इसको जो वेटेज मिला है इस इंडेक्स में 20%, ठीक है। उसके बाद में एनर्जी यूज़, जितने भी प्रकार की आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो आपका कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइप से आपका जो देश है वो एनर्जी को यूज़ करता है, किन किन सेक्टर में यूज़ करता है, कितनी कौन सी इनकी एफिशिएंसी है, और किस टाइप की एनर्जी वो यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी 20% वेटेज इसको दिया है इंडेक्स में। 4th पैरामीटर है क्लाइमेट पॉलिसी, आपने कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज जो हैं बनाई हैं या फॉलो करते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को रोके, क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए आपने कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई हैं, या कौन कौन सी पॉलिसीज़ आप फॉलो करते हैं, या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोटोकॉल हैं, किस किस के आप सदस्य हैं, ठीक है, इसको भी 20% वेटेज मिला है। इन 4 मेज़र आपके इस पैरामीटर के बेस पे हमने एक इंडेक्स तैयार किया। तो 4 पैरामीटर क्या हैं ये हमने यहाँ पे देख लिया, कितना किसको वेटेज है ये हमने देख लिया। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि जो इंडेक्स है CCPI ये किन पैरामीटर पे बेस होता है। अब हम बात करेंगे कि 2020 में जो है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसने किस कंट्री ने की है, टॉप 10 कंट्री जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली 3 पोजीशन जो है वो खाली हैं, इसका मतलब ये है कि जितने रैंक के लिए जितना परसेंटेज चाहिए था, जितना स्कोर चाहिए था, वो पहली 3 कंट्री अचीव नहीं कर पाई है, ठीक है। पहली 3 पोजीशन पे कोई भी कंट्री नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो इन्होंने फर्स्ट पोजीशन के लिए स्कोर तय किया था कि भाई एट लीस्ट इतना स्कोर होना चाहिए,
तभी आपको पहली पोजीशन मिलेगी, तभी आपको दूसरी या तीसरी पोजीशन मिलेगी। तो उस स्कोर तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, इसीलिए पहली तीन पोजीशन जो है वो खाली हैं। फोर्थ पोजीशन जो है वो स्वीडन को मिली है, और हमारे लिए काम की बात ये है कि हम इस पोजीशन में, इस इंडेक्स में 10वीं पोजीशन पे हैं। हमारा जो रैंक है वो 10th है, ठीक है, यानी कि हम टॉप 10 परफॉर्मर में से हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। जब भी मैं कोई ऐसे इंडेक्स भेजता हूँ जिसमें ये जो पहली पोजीशन होती है, दूसरी या टॉप की पोजीशन कुछ खाली होती हैं, तो बहुत सारे बच्चे की क्वेरी आती है, सर ये खाली क्यों है। ठीक है, तो इसका जवाब मैंने अभी दिया कि भाई जितना स्कोर तय किया गया है कि इतना स्कोर जो अचीव करेगा वही फर्स्ट पोजीशन या टू पोजीशन थ्री पे पहुंचेगा। तो जब कोई कंट्री उस स्कोर तक नहीं पहुंच पा रही है तो वो रैंक जो है, वो पोजीशन जो है वो खाली छोड़ दी जाती है। यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अब बात करते हैं अपने देश की, भारत की, इंडिया की, कि इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ देशों पिछले कुछ सालों से। तो 2020 में जैसा हमने बताया कि 10वीं पोजीशन है, 2019 में 9th पोजीशन पे थे, यानी कि हम एक पोजीशन नीचे आए हैं। ठीक है, 2018 में हम 11वीं पोजीशन पे थे, 17 में हम 14वीं पोजीशन पे थे, 16 में 20 पे, और सन 1914 में हम 31 पोजीशन पे थे। यानी कि हम बढ़ तो रहे हैं, बट अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो हम एक स्थान नीचे खिसके हैं। तो दोस्तों, दो तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं कि इंडिया की रैंक कौन सी है 2020 में, ये इंडेक्स क्या है, किन पैरामीटर पे बेस होता है, और इस बार किसने टॉप किया है, बॉटम पे कौन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस बॉटम पे है, ठीक है, इस इंडेक्स में। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब जितने भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं यहाँ पे अबाउट दिस इंडेक्स। दोस्तों ध्यान से ये चीज़ें आप नोट कर लेना, हम लगातार अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे, आप सभी लोगों को लगातार नोट्स मिल रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एक्टिवली पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। दोस्तों लगातार पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में है। आपने JRF करना ही करना है, ठीक है, ये सोच के लगातार अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, थैंक यू।